नमस्कार दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू बोले, कांग्रेस के साथ नहीं है कोई भी वैचारिक मतभेद। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर स्पष्टीकरण देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि उनके राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ कोई भी वैचारिक मतभेद नहीं है और उनका जो रिलेशन है आपस में उसमें कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपस में नहीं वो लोग बैठ सकते ना वो बात कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य में पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार अभियान के तौर पर बुधवार को राहुल गांधी के साथ कई बैठकों में शामिल होने वाले नायडू ने कहा कि गैर बीजेपी दलों के लिए एक ही मंच पर आने की लोकतांत्रिक विवशता है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक रूप से हम टीडीपी और कांग्रेस अलग हैं। तेलुगु देशम पार्टी शुरुआत से ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी और यही सच्चाई है। वैचारिक तौर पर हमारे कोई भी मतभेद नहीं है, वैचारिक रूप से हमारी बीजेपी के साथ मतभेद हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ दशकों पुराने मतभेदों के बारे में पूछे जाने पर ये चीज कही कि लेकिन आज तक ये लोकतांत्रिक विवशता है, इसलिए संविधान को बचाने और साथ ही संस्थानों को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, मोदी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास 5 राज्यों में से कहीं पर भी जीतने का मौका नहीं है और ना हम उन्हें जीतने देंगे। उन्होंने दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को निराशा दी है और लोगों ने उन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया था लेकिन उन्होंने देश को बहुत ही ज्यादा निराश किया है। हर कोई दबाव और तनाव में जी रहा है, ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा समय है कि वे सीबीआई, ईडी और आयकर जैसे संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर बीजेपी दलों की 10 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक के बारे में नायडू ने कहा कि किसी भी दल का कोई औपचारिक न्योता नहीं होगा। ये पूछे जाने पर कि बीजेपी रोधी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कौन है। साल 2014 तक ये एक महज एक मुख्यमंत्री थे, वे अपनी पार्टी को जिता पाए, अब कई सक्षम लोग और प्रशासक हैं, वे नेतृत्व करेंगे, हम इस पर सहमति बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूँ, मैंने कई बार कहा है कि मुझे इस पहल से किसी पद या किसी फायदे की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि पीपल्स फ्रंट जीत रहा है और तेलंगाना में सरकार भी बना रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि 2019 का जो चुनाव होना है उसमें हम मोदी को बिल्कुल भी जगह ना दें और उनसे सत्ता छीनी जाए या फिर हम ऐसा कुछ रणनीति बनाए या फिर ऐसा सोच समझ के कुछ ऐसा किया जाए कि मोदी शाह इस बार अपने इरादों में कामयाब ना हो। तो उन्होंने बहुत सारे निशाने साधे मोदी सरकार पर, भाजपा पर, बीजेपी पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तय है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने रणनीति बना ली है, उन्होंने सोच समझ लिया है कि उन्होंने मोदी को इस बार 2019 में उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करनी है और बहुत सारी चीजें उनके सामने रखनी है। जैसे कि आपने देखा कि अभी इसी साल कुछ महीने पहले कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए थे जिसमें कि इन पार्टियों ने जो गैर भाजपा थे इन्होंने गठबंधन कर मोदी को कहीं ना कहीं हरा दिया था। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें सामने आई देश के, जनता के और मोदी शाह के। तो कहीं ना कहीं मोदी शाह भी इस चीज की रणनीतियां बना रहे हैं कि अगर 2019 में गठबंधन होता है तो उनको इस चीज का कैसे सामना करना है। अगर हम बात करें कर्नाटक चुनाव की तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर पूर्ण बहुमत से भाजपा जीत गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो सरकार इन दोनों ने बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई और कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ से कर्नाटक निकल गया। तो यही एक स्थिति आ सकती है 2019 के चुनाव में जो कहीं ना कहीं मोदी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन इतना तय है, जो तैयारियां अभी मोदी शाह की चल रही हैं विधानसभा चुनाव में उसको देखकर ये लगता है कि उनका लोकतंत्र का जो चुनाव अभी होना है 2019 में उसके लिए उनका जो रणनीति है, जो उनका उनकी जो सोच समझ है वो इससे भी ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो देखा जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा। तो हम जल्दी लौटेंगे इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें
और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।